अभी अभी हमारे पास सुबह हुई है, मैं गया था रोटी लेने, रोटी लेके आया हूँ। पापा ने हलीम गरम किया, हलीम जो थी उस पर पापा ने तड़का वड़का लगाया, बटर देसी घी सॉरी, तो वो बस हम लोग गरम करके हलीम खा रहे हैं। और रात में बहुत लेट हो गए थे और मम्मा के नहीं थोड़ा था, दोनों तीनों है डॉक्टर से किया। मम्मा आप कैसी हो? अस्सलाम कर दो जल्दी से, ये आंखों में क्या हो गया आपकी? दर्द हो रहा है। अच्छा सलाम कर दो जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। इसी के साथ होता है न्यू व्लॉग स्टार्ट। और इब्राहिम गया उठ के वॉशरूम में, मुआ धो के वो आता है खाना खाते, जब तक हम लोग भी खाना खाते हैं, खाने के बाद आपसे मिलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जरा बाहर, क्योंकि 14 अगस्त आने वाली है और हम लोग जरा छोटा मोटा सा घर में सेलिब्रेट करेंगे। और इब्राहिम भी ठीक हो गया है तो अब कर सकते हैं। और मम्मा बस अभी जा रही हैं, पता नहीं बलून्स वगैरह लेने, केक वगैरह लेना है, बलून्स और केक वगैरह लेना है, बस फ्लैग फ्लैग वगैरह लेने, तो वो सब लेना है। तो चलते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। ये बड़ी तो वो कराएंगे हम चेंज। अच्छा वो भी चेंज करवानी है। अभी मम्मा और इब्राहिम की चल रही है आपस में बात के बलून कहाँ से लेने, बलून कहाँ से लेना। मैं कह रहा हूँ इतनी सारी दुकानें मिल जाएंगे बलून, मम्मा फिर भी परेशान हो रही है। मैं हमेशा होलसेल से लेकर आती हूँ ना बलून, मत मुझे पूरा पैकेट जो पड़ता है ना 250 का पड़ता है। नहीं यार सस्ते मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे यार, मम्मा टेंशन नहीं लें। तो हमने ये वाला केक मम्मा ने डन करवा दिया है, क्योंकि मम्मा के पास कोई चॉइस ही नहीं थी भाई, अब क्या करें, यही था और कहीं मिलते भी नहीं, तो इतनी रात में हम लोग यहाँ पर आए हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हुआ था इब्राहिम आज, है ना। तो बस अब ये केक लेते हैं, उसके बाद बलून्स वगैरह लेते हैं, वो लेके हम मिलते हैं ना। मुझे ये पसंद आ रहा था और उन्होंने बैग नहीं दिया। मीनारे पाकिस्तान है मेरे हाथ में, तो प्लीज मुझसे दूर रहें। क्या है आपके हाथ में? नहीं दिया मीनारे पाकिस्तान। तो शॉपर में क्यों नहीं दिया उन्होंने अहमद? या तो बैग तो बनाने चाहिए थे। मीनारे पाकिस्तान है मेरे हाथ में, आप चलें। अच्छा ऐसा है, आप नीचे देखना, नीचे मीनारे पाकिस्तान के शहर में क्या पड़ा हुआ है। तो मतलब गाड़ी में चलते हैं और बलून कहाँ से लेने हैं? मम्मा बनाए जा रही है, बलून लेके मिलते हैं। देख रहे हैं आप हमारी तरफ कितने सारे वो टेंट लगे हैं, रश हो रहा था भाई यहाँ पर और इतना ट्रैफिक हुआ है ना यहाँ पर। खबर लाइट देखो माशाल्लाह, और दिखा नहीं चले गए वो स्टॉल अभी भैया मोबाइल में क्या लगा रहे हो भैया जी? तो बस अभी घर चलते हैं, बलून लेने हैं, फातिमा के कुछ लेने हैं बैज वैज, तो वो लेते हैं फिर आपको। भैया अभी यहाँ पर बैठ के बलून फुला रहा था, मोटर पड़ी हुई है, मोटर फुलाते फुलाते भैया ने बस दो बलून फुलाए। भैया तुमने मोटर जला दिया, तुमने मशीन जलाई है, तुम भैंस कर रहे हो, तुम्हारे हाथ पनौती है। चुप, बिल्कुल चुप। मैं अभी यहाँ पर बैठ के मैं उसका सारा पढ़ रहा था यार, ये ऐसे अल्लाह ना करे ऐसे इस वजह से खराब हो जाती है, और भैया आए हैं और भैया तुमने खराब करी है। पैसे दो निकल, पहली फुर्सत में निकल। सारी प्रिपरेशन तो कर ली थी और मतलब पीछे सारा झंडा वगैरह लगा लिया था, बस मैं भी रेडी हो गया हूँ, इब्राहिम भी फुल रेडी है, बस मम्मा का रेडी होना बाकी है। और 12 बज गए और बाजों में तो आवाजें आ रही होंगी, आवाजें कितनी आ रही है, इतने बाजे बजा रहे हैं यार ये लोग, आवाज सुने आप बस। अबे तो बस ये अभी हम लोग थोड़ी देर में केक काटेंगे, बाहर भी चलेंगे देखेंगे क्या सीन है, लेकिन केक काटेंगे। और मम्मा ने मिली नगमे सारे लिख लिए, तो मम्मा कह रही मिली नगमे की अंताक्षरियां खेलेंगे। अभी अभी हमारी लाइट आई है और यहाँ पर सारा हमने सेटअप वगैरह कर लिया, बलून वगैरह लगा दिए। और लाइट वाले ने 14 अगस्त वाले दिन भी मम्मा आजादी तो मिल गई, लेकिन लाइट वाले ने हमें आजादी नहीं दी है। और वहां पर अस्सलाम वालेकुम बापू, अम्मा अबू क्या बोलते हैं, बापू। तो बस हमने केक भी लिया और उस पर मुझे पता भी नहीं था मीनारे पाकिस्तान सच्ची में बना हुआ है। तो बस अभी हम लोग केक काटते हैं, केक सेरेमनी होगी छोटी सी। उर्दू में बोल, सबसे पहला बाइट आपके लिए, ये लीजिए। चलो इनका आ गया तुमको, नहीं नहीं यार वो तो नहीं, चलो ये लिफाफा ये इंडिपेंडेंस डे मेरा बेटा है। भाई हमने स्टार्ट कर लिया है, जैसा कि मम्मा सामने बैठी हो, ये सारे मिली लगे रिखे में, हमारी आवाज तो इतनी अच्छी है नहीं, तो मम्मा के साथ हम लोग अपनी आवाज कवर करेंगे। और मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी कि मिली नगमे कैसे पढ़े जाते हैं, क्योंकि स्कूलों में अब वो प्रोग्राम नहीं होते जो हमारे वक्त में हमारे स्कूल में हुआ करते थे। मम्मा बस आप तो अपनी आवाज, मैं अपने बच्चों के साथ आपने पढ़ना है, हिम्मत नहीं आ रही है, ठीक है आज आप लोगों का इम्तिहान है। एक सेकंड, अभी हम शुरुआत कैसे करेंगे? अल्लामा इकबाल का एक शेर है, सबसे पहले तो ये कि सबको जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अच्छा जी, उसके बाद ये, मैं फकीरों से ही करता हूँ तिजारत अक्सर,
मैं फकीरों से ही करता हूँ तिजारत अक्सर, जो एक पैसे में लाखों की दुआ देते हैं। 13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है, आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आपको पाकिस्तान मुबारक। तो बस इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा प्यारा सा मिले नगमा है, ऐसी जमीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल 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 पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। चला लेकिन हंसना नहीं है, मत बहुत अच्छे से पढ़ना ताकि हमारे देखने वाले क्या बिल्कुल खराब कर रहे हो भैया। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, सीरियस सीरियस बिल्कुल। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। फाइन कर लिया है हमजा ने और गाजी ने, तो ये बच्चों को कब से कहा था मगर ये लोग बाहर एंजॉय करने गए थे, तो बस ये अब हमारे साथ आ गए। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के, ये वतन तुम्हारा है, उधर भी देखो, तुम हो पास बाईस के। जो ये लिखा हुआ था, परचम लपेट दीजिएगा मेरे कफन के साथ, जिंदा रहूं मैं हशर तक अपने वतन के साथ, शहीदों की जमी है ये जिसे पाकिस्तान कहते हैं, ये बंजर होके भी बुजदिल कभी पैदा नहीं करती, लगा था कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। अमन गाजी भाई शायरी लिखते हैं, आपको पता है? बस तो अभी गाजी से भी हम शायरी सुनेंगे। लिखते हैं भाई गाजी भाई, तो फिर हो जाए, चलो हम ये थोड़ा कुंडी मत कर। चलो बस 1 2 3 चार, उंगली मत उठाना बाजू तोड़ के रख देंगे। तो देख के पढ़ना है हमारी, पता है जश्न आजादी का। अच्छा अच्छा, तोबा तोबा अस्तगफिरुल्लाह। उंगली मत उठाओ राजा, ये क्या कर रहा है गुलाम? मैंने तो उंगली मत उठाओ राजा, सीधा अंदर आओ। चलो चलो, उंगली मत उठाना बाजू तोड़ के रख देंगे, गलती से जो ललकारेगा तो काट के रख देंगे, रख देंगे, गलती से जो जो ललकारेगा तो काट के रख देंगे। अब मैं चलो, अब आप कौन सा वाला पढ़ोगे? कौन सा पढ़ोगे आप? क्यों दिया हमें आजाद? अच्छा क्यों दी? कायम काम क्यों ये क्यों दी हमें? क्यों दी हमें? अच्छा अच्छा, दी हमें आजादी के दुनिया हुई बर्बाद। अच्छा बच्चे शरारती है, क्यों दी? अभी यही बोला था, क्यों दी हमें आजादी है दुनिया हुई बर्बाद, एक कायदे आजम तेरा नुकसान। पूरी बात ये सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया में लेके जा रहा है, तो इसका सॉरी, ये सिर्फ हम लोग तफरी कर रहे हैं, वरना कायदे आजम बापू आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपने हमें। ये पता है मैं जब स्कूल में पढ़ती थी ये रहे हमारे साथी, इस पे टैबलो किया था हमने, तो ये बिल्कुल आप लोगों ने मेरा साथ देना है, पढ़ना है, ये कुछ ऐसा है। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई आजाद, कायदे आजम तेरा एहसान है, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। जो मुझे आप लोगों को भी पता होगा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो कुछ ये था,
सिंधी बलोची सरहदी पठान चल पड़े साथ अपने मुहाजिर लिए कुरान चल पड़े ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही पांव की दुआ चुप पूरी हुई बिल्कुल चुप और ये जान है हम पाकिस्तान है। अब अहमद ये पढ़ लो, ये तो बहुत पुराना है, याद सबको आएगा। ये पढ़ा है आपने बाद में? तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है इससे मेरी पहचान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान, सब पर है चांद एक सितारा है, ये कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा है, हम यक दिल हम यक जान, हम यक दिल हम यक जान, हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है, दिल दिल पाकिस्तान जान, जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान, जान पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहां, पड़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, हमारा परचम, हम प्यारा परचम, अजीम परचम, हमारा परचम, हम प्यारा परचम, अजीम परचम, हमारा परचम, बहुत प्यारे, वो देखो बलून कैसे करते हैं, बस बस हम उसके बाद हम इजाजत, परिचम हमारा परिचम, ये प्यारा परिचम, हमारी अजमत का पासबां है, मेरा गला खराब हो रहा है, परिचम को भी स्टूडियो में आप जा सकते हैं। बस तो एंड किससे करेंगे, वो गालो मेरी इज्जत रख लो, मेरे मुल्क की इज्जत रख लो, ये देश हमारा है, काँ काँ है। इसे हमने संवारा है, ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है, इसका एक एक बच्चा हमें जान से प्यारा है, ये देश, ये देश, ये देश हमारा है। मैं सुनाता हूँ यार, छोड़ो यार, कॉपी में ये सब धुआं है, अरे बच्चों आसमान थोड़ी है, अच्छा ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, अगर लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, अगर लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकल गया वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकल गया वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। Come look at this. हरी हरी घास पे गधे चल रहे थे, शेरो शायर याद नहीं बकवास कर रहे। तो हम लोग वो सारी सेरेमनी वगैरह छोटा सा केक वेक काट के मिली नगमे वगैरह पढ़ के सब लोग करके हम लोग सो गए थे, और अभी अभी उठो
और मेरा नज़ला पता नहीं क्या हो रहा है, नज़ला हो रहा है क्या हो रहा है वहाँ, मुझे नज़ला हो गया यार। क्यों देखें आवाज पता नहीं क्या हो रहा है। तो बस इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दिखाएं और सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। तो हमने छोटा सा सब लोग आपको बाहर का दिखाते होंगे लेकिन हमने घर में बैठ के एक छोटी सी महफिल जमा ली और इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट के जरिए बताना और अगर हो सकता है मम्मी के घर जाए तो वहाँ भी एक छोटा सा सेलिब्रेट कर ले उनके साथ। तो ऐसे ही प्यार बनाए, पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करें, उनका ख्याल रखें, उन्हें पढ़ें और नमाज की पाबंदी लाजमी करें। मिलते किसी और जिंदा व्लॉग में, तब तक लिखे वॉचिंग। तो मम्मा वहाँ पर वो कर रही थी ना, क्या कहते हैं, पराठे बना रही थी, इसलिए मैंने कहा मेरी आवाज़ दे दो, मैं कैमरे में नहीं हूँ। तो बस अल्लाह हाफिज़। Asrat Manfi, tujhme dar hai akin sense.